मैं हूँ इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उड़ीसा में पुरी के समीप तटीय इलाकों में शुक्रवार को टकराने के बाद भीषण चक्रवाती तूफान फोनी तेजी से आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। इस प्रभाव से आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है और तेज हवाओं की वजह से पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। इस तूफान की वजह से बंगाल की खाड़ी के ऊपर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। जानकारों के अनुसार पिछले दो दशकों में इस फोनी तूफान को सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है। इस चक्रवाती तूफान की रफ्तार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दो दिन पहले ये उड़ीसा से करीब 800 किलोमीटर दूर था। बंगाल की खाड़ी से उठे इस फोनी तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया है। फोनी यानी फोनी का मतलब होता है सांप। सांप की तरह ही तेज रफ्तार से अब ये फोनी चक्रवाती तूफान आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक जान माल की खबर सामने नहीं आई है। वहीं तूफान की वजह से श्रीकाकुलम में 20,000 लोगों को 126 राहत शिविरों में रखा गया है। इस फोनी तूफान की वजह से 100 ट्रेनें और 22 उड़ानें भी रद्द की गई हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।